ओम शांति। आज 25 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा सतगुरु के रूप से मुख्य शिक्षा दे रहे हैं कि अब आपको सतगुरु का संग मिला है, आप सत संग में हो, सच के संग में रहना है, अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हटा लेना है। जब आपको सच्चा बाप टीचर सतगुरु मिला तब उनके ही संग में रहना है। इस नरक से, नरकवासियों से बुद्धि योग हटा लेना है। बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, तुम्हारे कभी भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं हो सकते हैं। ये बैज सदा लगा रहे, जिसके द्वारा आप दूसरों को परिचय देते रहो कि बाबा पतित पावन है, कल्याणकारी है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुम्हें मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए। विष्णु को चार भुजाएं क्यों हैं? दो भुजा लक्ष्मी की, दो नारायण की। बाबा आते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। सासद बाबा ने कहा कि ये जो पढ़ाई मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ इससे आप पढ़कर देवी देवता बनते हो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और बेहद के सन्यासी बनो। घर बार छोड़कर नहीं जाना, कारोबार छोड़कर नहीं जाना, इस दुनिया में रहते बुद्धि योग सबसे हटा हुआ हो, एक बाबा के साथ लगा हुआ हो। सासद बाबा ने इशारा दिया अब वापस घर जाना है, मैं तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाता हूँ, रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। अब ये नॉलेज सदा आपकी बुद्धि में रहे। जिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज रहती है उनकी सिविल आई बन जाती है। ये जो तीसरा नेत्र है संगम युग पर ही मिलता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसलिए आंखें कभी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाबा ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तुम बेहद के सन्यासियों को बाबा ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं कि हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है, तुम्हारा बेहद का वैराग है, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ के जाना है। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ के जाना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। और कोई का नाम नहीं लिया जाता, इनका नाम भी नहीं लिया जाता, ब्रह्मा बाबा का भी नाम नहीं लिया जाता। पतित पावन वो बाप है तो जरूर वो यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते शिव भगवान उवाच। ये जरूर समझना चाहिए, समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का सारा रास यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। ये बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान नहीं समझा सकते तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ा ही कहेंगे। जब रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं समझा सकते तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि, परंतु कहते नहीं, कहीं फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते ही हैं, फर्स्ट क्लास की श्रीमत भी बाबा देते हैं। अब तुम्हें सच्चा सतगुरु मिला है, फर्स्ट क्लास की कीमत बहुत अच्छी होती है। सतगुरु
उत्तम बच्चों को मिला और एकदम सच्चा सच्चा बना देता है। सच्चे हैं देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सत्यों में सिर्फ तुम देवी देवता रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचिता रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, ये भी लिखना है। यहाँ रचता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचता रचना का ज्ञान जरूर होना चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गॉडरेस का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो हम बाबा के पास विश्व का मालिक बनने आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता शांति समृद्धि आशीर्वाद देते हैं ना। परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग हैं। ये लक्ष्मी नारायण तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती नहीं, तो घूंघट आदि करने की दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है, वहां कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी नहीं आएंगे। यहाँ तो है ही रावण राज्य, ये आंखें बड़ी शैतान है। बाबा आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं, ज्ञान का नेत्र देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ करती है। तुम्हारी आत्मा भी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई। पाप आत्मा उनको कहा जाता जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु बाबा ही देते हैं। शिव बाबा ही ज्ञान के सिविल चक्षु देते। यह ज्ञान तुम जानते हो। शास्त्रों में ज्ञान थोड़ा ही है। बाप कहते वेद उपनिषद सब भक्ति मार्ग के हैं। मैं आकर तुम्हें इनका सार सुनाता हूं। ये भक्ति मार्ग में तुम ढूंढते आए, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। तुम्हें संदेश देना है। आओ तुम्हें रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाएं। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र बिल्कुल नहीं जानते, मुख्य अक्षर है ये। आओ बहनों भाई आकर रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम ये बनेंगे। ये ज्ञान पाने से, सृष्टि चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इन बातों को समझने से महाराजा महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाबा आते भी भारत में है, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे। बाबा है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। इस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी बाप भारत में आते हैं, झूठ खंड को सच खंड बनाते हैं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसा नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान आकर सच खंड बनाते, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं। फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे। वह सन्यासी और फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे। बाबा खुद कहते हैं, मुख्य बात अंडरलाइन करेंगे, पवित्र बनो
दैवी गुण धारण करो। तुमको भी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ करके जाते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद भी बच्चों के हवाले करते, फिर जांच रखते हैं कि देखें हमारे पिछाड़े ठीक चलाते हैं या नहीं। आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई, जीते जी सारा खाना खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते यहां से निकल जाओ। बाप समझाते, प्रदर्शनी में तुम लिख दो बहनों भाइयों रचता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनो। बहनों भाइयों आओ रचता रचना का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते, कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते, 2 मेल की 2 फीमेल की। यहां 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाई, 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता। ये समझाने के लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते 2 भुजा, ब्रह्मा 2 भुजा ब्रह्मा की 2 सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं कि सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो, नरक को भूल स्वर्ग को याद करो, नरक और नरकवासियों से बुद्धियोग हटाकर स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धियोग लगाना है, स्वर्ग को याद करना है। वहां सत्युग दुनिया में हम सब कैसे थे, वहां पर बाबा कहते बुद्धि टिकाओ। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी, बाबा कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है। भगवान वाच, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं, जिसने शुरू से लेके अंत तक पार्ट बचाया उसमें प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब लगाते हो, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, जरूर कहेंगे शिव बाबा कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। ये भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है मैं तब आता हूं, और जब पुरानी दुनिया पतित हो जाती मैं तब आता हूं। कितना सहज बताते, आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी जन्म से ही गुरु करा देते। ये सीखे हम क्रिश्चन से, अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, समझते छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाबा समझाते यहां तो कोई की सदगति हो ना सके। अब तुम्हें बाबा सहज समझाते हैं, ऊंच बनाते हैं। बाप कहते ये रावण राज्य है, गुरु सबने किया, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान से पहले 12 गुरु किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको तो जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन जाती, जंजीरें कोई मोटी होती हैं कोई पतली होती हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उठाते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं, नंबरवार माला के दाने बनते हैं। कोई झट सुनेंगे, कोई अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई कोई तो समझते ही नहीं, नंबरवार माला के दाने बनते। मनुष्य भक्ति में माला सी मरते लेकिन समझते नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा माला फेरो,
बस राम राम की धुनी लगाते, जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते नहीं। राम किसको कहते हैं, श्री कृष्ण जी किसे कहा जाता है, वो कब आते हैं, ये बातें नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण जी स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ प्रथम रचना है। तो उनको जानते नहीं कि वो किस युग में आए, क्या सिखाया। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। इस समय कितने अंध श्रद्धालु बन गए। बाबा समझाते, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते तो तुमको कहते तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर स्वयं एक बाप है, वही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियोग हटा देना है, पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसे बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियोग हटा देना है, पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, देह देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। देह देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सब बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह देहधारियों से रिश्ता, मन का लगाव नहीं, वो ही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा, धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहता, वो सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। जिसका कोई भी देह देहधारियों से रिश्ता, मन का लगाव नहीं, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा धरनी से ऊंचे होते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सब बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता हूं। कुछ पल के लिए देह से न्यारे होकर फरिश्ते रूप की ड्रेस पहन लेंगे, बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस। मैं फरिश्ता हूं, सब बंधनों से मुक्त हूं। बाबा ने मुझे डबल लाइट बना दिया, बंधन मुक्त बना दिया। बाबा की शक्तियों को
अपने में धारण करते जाएं। परमात्मा शक्तियां बंधनों को समाप्त कर देती है, हल्का बना देती है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, शुक्रिया बाबा।